चलिए आइए दोस्तों, आधुनिक भारत की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो जहाँ पे मैंने ये लेक्चर छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आधुनिक भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 2 है और मैं स्वस्थ हूँ, आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी आधुनिक भारत के इतिहास की। चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखा है कि मैंने पहले आपको बताया 1498 में पुर्तगाल से कौन आया, वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा के भारत आने के बाद उसने क्या किया था, पुर्तगाल कंपनी की नींव डाली थी और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की 1503 में प्रथम फैक्ट्री खोली गई थी। प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, प्रथम फैक्ट्री कोची यानी कि कोचिंग में खोली गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके उनके एक एक करके गवर्नर आए, पहले आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फिर आया अल्बुकर्क, फिर निनोदी पुना आए। बारी बारी करके ये तीन जो गवर्नर थे पुर्तगालियों के कहाँ आए, भारत में आए, और भारत में आने के बाद उन्होंने निवास किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम जिसका नाम हम लोग बार बार ले रहे हैं कि भारत की खोज की, भारत के समुद्री रास्ते की खोज की, वो था वास्को डी गामा। वो तीन बार भारत आया था, कितनी बार, तीन बार, 1498, 1502 और 1524 में। 1524 में जब भारत वो आया तो उसके बाद यहाँ से जा ही नहीं पाया। क्या हुआ, वहीं पर इसकी समाधि बन गई और यहीं पर क्या हो गया, यहीं पर दफन हो गई, क्या नाम है, इसकी मृत्यु होगी। बस इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डचों की कहानी। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कहानी जो हमारी है अगली है डचों की। किसकी है, डचों की, डचो जिन्हें फिनलैंड या हॉलैंड के निवासी कहा जाता था। कहाँ, फिनलैंड, फिनलैंड या हॉलैंड के निवासी कहा जाता था। कहाँ के, हॉलैंड, हॉलैंड के निवासी कहा जाता था। इन्होंने सबसे प्रथम फैक्ट्री खोली थी कहाँ पे, सबसे पहली बार की डचों की कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 में हुई थी। कब हुई थी, 1602 में हुई थी। 1602 में ये कंपनी बनी थी। ये भी क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक, ये क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। 1605 में, 1605 में इसने प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली थी, प्रथम फैक्ट्री इन्होंने खोली थी। कहाँ पे, कहाँ पे खोली थी दोस्तों, याद रखेंगे, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली थी। अब देखिए डचों के, डच कहाँ के निवासी थे, फिनलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। 1602 में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री, 1602 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, पूरी निजी कंपनी थी याद रखिएगा। और फिर 1605 में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी। अब देखिए 1605 में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री तो खोली भारत में, ठीक, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। लेकिन बात ये इतनी होती है ना कि इनके पास भी अच्छी नौसेना थी, इसलिए पुर्तगाली कमजोर हो गए, उनका विनाश होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था, उनकी समाप्ति धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये लोग जो थे ना ज्यादा दिन तक भारत में नहीं रह पाए, ठीक, क्योंकि इनका मुख्य केंद्र था इंडोनेशिया। आप जो देख रहे हैं ये इंडोनेशिया वाला जो इलाका है, ये ग्लोब पे भी देख लीजिए आप, ये रहा हम लोग का भारत और ये रहा इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया वाले जो इलाका था, इंडोनेशिया वाले इलाके में ये लोग चले गए थे। कहाँ पे, इनका मुख्य केंद्र इन्होंने क्या बनाया था, इंडोनेशिया बनाया था। यहाँ पे क्या करते थे ये, बेसिकली किसका व्यापार करते थे, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र प्लस मसालों का, मसालों का व्यापार करते थे। सूती वस्त्र प्लस मसालों का व्यापार करते थे। उन्होंने अपना मुख्य केंद्र को बनाया था, इंडोनेशिया को बनाया था। और 1759 में बैटल ऑफ वेदरा के युद्ध में इनकी समाप्ति हो गई। किसके साथ हुआ था वेदरा का युद्ध, अंग्रेज और डचों के बीच वेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। उन्होंने वो युद्ध हार के अपना सब कुछ बेच बाज के वो कहाँ चले गए, इंडोनेशिया चले गए। यही इनकी कहानी है, यही डचों की कहानी है। लेकिन इनके बाद जिनके बारे में पढ़ना है ना, उनके बारे में बहुत ज्यादा गहन नॉलेज करनी है हमें, इसलिए आइए उनके बारे में गहन नॉलेज करते हुए इनकी समाप्ति करते हैं और हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई, ठीक। डच कहाँ के निवासी थे, फिनलैंड या हॉलैंड के निवासी उन्हें बोला जाता है। 1602 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। 1605 में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली थी, मसूलीपट्टनम में खोली थी, इन्होंने मुख्य केंद्र, इनका मुख्य केंद्र क्या था, इंडोनेशिया था, जिसकी कैपिटल इस समय ईस्ट कालीमथन जकार्ता है। सूती वस्त्र और मसालों का व्यापार करते थे। किस युद्ध के साथ इनकी भारत से समाप्ति हो गई थी, तो बैटल ऑफ वेदरा के युद्ध के साथ
क्या हुआ था, बैटल ऑफ एड्रा 1759 में अयोध्या के साथ अंग्रेजों के साथ इनकी क्या होती है झड़प हुई, भिड़ंत हुई, युद्ध हुआ और उसके बाद इनका समाप्ति हो गया। ये सब कुछ बेबात ही, अंग्रेजों को कहाँ चले गए, इंडोनेशिया चले गए, बस इनकी कहानी यहीं तक है। अब हम अगले अगला आते हैं, अगले पे आते हैं, वो हम लोग किस पे आएंगे, अंग्रेज पे आएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पुर्तगाल को मैंने छोड़ा है ना, ये आगे आपको बहुत काम आएगा। अभी इसको मैंने पूरा भी कंप्लीट नहीं करा है, क्यों नहीं करा है, क्योंकि 1961 में सबसे लास्ट में जाने वाले जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज यूरोपीय थे, वो पुर्तगाली थे। 1961 तक इन्होंने गोवा पे कब्जा किया हुआ था, तो वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया। जब मैं इनकी कहानी स्टार्ट करूंगा ना, जब उनकी समाप्ति होने लगेगी, तब मैं आपको बता दूंगा रिवाइज कराने के लिए। ठीक, तो आप इसको नोट करते हुए भी चलिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। यस, आज तो एकदम सही है। गति से ट्रक ला सकते थे, कैमरा भी हमारे सामने, आज कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं अंग्रेजों पे। देखिए सबसे बड़ी बात, ठीक, कई बुक आप पढ़ते होंगे, 1599 में क्या हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, 1599 में स्थापना 1599 में स्थापना हुई। आप सब 1600 पढ़ते हैं, 1600 पढ़ते हैं, यही मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। स्थापना 1599 में हुई थी, 1600 ईस्वी में इनको क्या मिला था, महारानी को चार्टर मिला था। क्या मिला था, चार्टर मिला था, महारानी को चार्टर मिला था, एकाधिकार मिला था। कहाँ पे, भारत के पूर्वी क्षेत्र में जाके व्यापार करने का इनको क्या मिला था, एक चार्टर प्राप्त हुआ था। कहाँ पे, भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, आप जो देख रहे हैं ये भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे जाकर इनको व्यापार करने का चार्टर प्राप्त हुआ था। इनको प्राप्त हुआ, महारानी एलिजाबेथ को हुआ था, इसीलिए 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, इनको चार्टर प्राप्त हुआ था। ये याद रखिएगा, स्थापना 1599 में हुई थी, 1600 ईस्वी में इनको चार्टर प्राप्त हुआ था। अब देखिए 1 दिसंबर 1600 याद रख लीजिए, पूरा ही याद कर लीजिए, कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में पूछ भी लेता है। 1 दिसंबर 1600 इनको चार्टर प्राप्त हुआ था, महारानी एलिजाबेथ को पूर्व भारत के पूर्वी क्षेत्र में जाके व्यापार करने का चार्टर प्राप्त हुआ था। उस समय जो मुगल बादशाह थे, किन्होंने इन्हें चार्टर प्राप्त किया था, अकबर ने क्या किया था, अकबर ने इनको चार्टर प्राप्त किया था। ठीक, अब लेकिन इनके दरबार में 1605 ईस्वी में क्या होता है, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। सॉरी सर, 1605 में क्या होती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1608 ईस्वी में इनके दरबार में आने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वो क्या था दोस्तों, याद रखिएगा 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1608 में इनके दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। 1603 में जेम्स प्रथम का राजदूत बन के अकबर के दरबार में कौन आया था, एक सेकंड दोस्तों मैं थोड़ा कैमरा चेक कर लेता हूँ। अब देखिए मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ कि देखिए मालूम होता क्या है कि जब क्या नाम है 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की जो क्या नाम होता है चार्टर प्राप्त होता है, महारानी एलिजाबेथ को एक चार्टर प्राप्त होता है 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र में जाके व्यापार करने का। तो होता क्या है 1603 में एलिजाबेथ जो महारानी रहती है, महारानी 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ के साथ साथ कौन बनते हैं, जेम्स प्रथम का राजदूत बनके कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आता है, अकबर के, लेकिन आता है अकबर के नाम से फरमान लेके, लेकिन उसमें बादशाह कौन रहता है, जहांगीर रहता है। दोस्तों कंफ्यूजन होगा इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ 1599 से। 1599 में कंपनी की स्थापना हुई, 1 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी को चार्टर प्राप्त हुआ कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में आप जाके व्यापार करिए। 1 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी को चार्टर प्राप्त हुआ कि अकबर के नाम से चार्टर प्राप्त हुआ था। अकबर ने उन्हें फरमान दिया था कि महारानी आप जाइए पूर्वी क्षेत्र में जाके आप 15 वर्षों तक व्यापार करिए। फिर उसके बाद होता क्या है, अकबर 1603 में महारानी की मृत्यु हो जाती है, 1603 में महारानी की मृत्यु हो जाती है और 1608 ईस्वी में, ठीक,
1605 में क्या होता है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब वहाँ की महारानी जो है वो कौन चेंज होती है, कौन बनता है, जेम्स प्रथम वहाँ के क्या बनते हैं, शासक बन जाते हैं। यहाँ पे जो मुगल बादशाह रहता है 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बन जाता है। तो होता क्या है, आप ध्यान से सुनिए कि महारानी को जो चार्टर प्राप्त रहता है, जो जेम्स प्रथम को चार्टर प्राप्त रहता है, वो किसके नाम से रहता है, अकबर के नाम से। पहुंचता किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। क्यों, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप कंफ्यूजन से बचिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आप समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आपको ये बोर्ड पर जो लिखा है वो समझ में नहीं आएगा। तो जरी बात ध्यान से सुनिए, जेम्स प्रथम कनादूत बनके कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके दरबार में चलने के लिए निकलता है, अकबर के। लेकिन आता है तो किसके दरबार में पहुंचता है, किसके, जहांगीर के। क्योंकि अकबर की क्या हो गई रहती है, मृत्यु हो गई रहती है। अकबर की क्या हो गई रहती है, मृत्यु हो गई रहती है। अब होता क्या है, अब देखिए आता है 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में और उसको पत्र वत्र दिखाता है और उसको फैक्ट्री बनाने की छूट मिल जाती है। तो प्रथम फैक्ट्री बनाने का कार्य उसका शुरू हो जाता है कहां पे, सूरत में। कहाँ पे, अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री को बनाने का कार्यकाल कार्य जो शुरू हो जाता है 1608 में, जहांगीर उसको शुरू कर देता है। जहांगीर के द्वारा मिले फरमान के कारण क्या होता है, फैक्ट्री बनाने का कार्य शुरू किया जाता है। लेकिन कुछ कारणों के कारण कुछ पुर्तगालियों के या फिर फ्रांसीसियों ने कुछ क्या कर दिया था, लड़ा दिया था, कुछ कारण वगैरह भर दिए थे। तो कुछ भी मतभेद हो जाने के कारण अंग्रेजों के क्या होंगे ना, इन्होंने कार्य को, फैक्ट्री बनाने के कार्य को रुकवा दिया। और 1611 में प्रथम फैक्ट्री बन गई कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। अब देखिए यहाँ पे भी डाउट, यहाँ पे भी कंफ्यूजन। पूछेगा प्रथम फैक्ट्री बना कहाँ बनी थी, कहाँ बनाने का कार्यकाल शुरू किया गया था। पूछेगा कि ऑप्शन आपसे दे देगा कि अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनी, तो ऑप्शन दे देगा सूरत, मसूलीपट्टनम और दे देगा आपको क्या नाम है, कोचिन या त्रावणकोर। तो आप क्या बोलेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे। 1608 दिया है, 1610 दिया है, 1609 दिया है, 1612 दिया है, तो आप 1608 पे जाएंगे। अगर इसके हट के दिया हुआ है तो आप उस पे जाएंगे, 1611 पे जाएंगे। हालांकि प्रथम फैक्ट्री बन के तैयार कब होती है, 1611 में, कहाँ पे होती है, यहाँ पे 1611 में तैयार होती है, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। और सूरत वाली बन के तैयार कब होती है, 1613 में। यही आपका एक डाउट था जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था। अब देखिए इनकी कहानी आपको एकदम ताश के पत्ते की तरह एकदम क्लियर होती जा रही होगी। तो अगर आपको ये कहानी एकदम क्लियर हो रही है तो मैं इसके साथ आपको आगे बढ़ूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, मेरा नंबर है ये 8299339562 8299353965। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल करें, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा और जहां तक हो सकेगा मैं आपको सीधे सीधे सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आ जाओ तो इस लेक्चर को 2-3 बार देखें, मुझे भी समझने में बहुत समय लगा है। ठीक है, मैं इस तरीके से पेश करना चाहता हूँ कि एक बार आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़े, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। चलिए अब यहाँ तक डाउट आपका क्लियर है, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, तब तक के लिए मैं एक डाउट करूंगा, थोड़ा सा इसको साफ कर लूँ क्योंकि थोड़ा जो बोर्ड है गंदा दिख रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको, मैं क्या नाम है कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम हुई बार बार। चलिए इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। देखिए 1615 में, जैसा कि मैंने आपको 1608 में बताया था कि कौन आया था, थॉमस रो आए थे। लेकिन होता क्या है कि 1600 मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 1615 में थॉमस रो कंपनी से, कंपनी की ओर से जेम्स प्रथम के राजदूत बनके किसके दरबार में आते हैं, मुगल बादशाह के दरबार में आते हैं। उनसे कुछ रियायत प्राप्त करते हैं, कुछ करों में छूट प्राप्त करते हैं। उससे क्या होता है, उनको टैक्स में कुछ छूट मिल जाती है, कुछ रियायत मिल जाती है, तो कंपनी का स्थित्व तो और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या, 1632 में गोलकुंडा से उनको सुनहरा फरमान मिल जाता है। सुनहरा फरमान जैसे कि मान लीजिए कि इतने कर में छूट मिल जाती है, सिक्के वगैरह डालने का छूट मिल जाती है, वो लोग कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने लगता है। भाई गोलकुंडा यहाँ से हीरे की खान निकली थी, हम सुनते हैं ना कर्नाटक के गोलकुंडा से निकला था, वही जो है इसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी है या फिर ब्रिटेन के जो राजा हैं उनके ताज में लगा हुआ है वही गोलकुंडा। वहां से उनको सुनावार फरमान मिल जाता है। हद तो तब हो जाती है जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी रहती है, अगला जो बादशाह बन चुका रहता है कौन बन चुका रहता है, जो कमजोर बादशाहों की लिस्ट में आते हैं उत्तर मुगल काल में, तो फर्रुख शियर के दरबार में एक आता है सर जॉन शर्मन आते हैं उनके दरबार में।
अब उनके दरबार में आते हैं तो उनको ऐसी छूट मिल जाती है ना जैसे कि छूट की वो कभी कल्पना भी नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई डॉक्टर आया थे, फरुख शेर को कोई बीमारी हो गई थी, कोई बीमारी हो गई रहती है तो उससे क्या करते हैं वो उसका इलाज कर देते हैं, फरुख शेर का इलाज कर देते हैं, खुश होके क्या मिलता है 3,000 वार्षिक कर में उसको बंगाल किराए मुफ्त में दे दिया जाता है, मुफ्त व्यापार करने की छूट दे जाती है। मतलब 3,000 रुपए में तुम्हें साल भर में दो और वहां पे पूरे पूरे के पूरे बंगाल में क्या करो तुम व्यापार करो, कंपनी को ये छूट मिल जाती है। 10,000 वार्षिक कर में सूरत किराए पे दे दिया जाता है कि 10,000 तुम्हें वार्षिक कर दो, लो सूरत भी तुम लो और सूरत में भी व्यापार करो, फ्री में ट्रेड करो। बंबई में जो सिक्के पहले बंबई में धारा करते थे अंग्रेज, उनको क्या करना छूट दे देगी तो जो सिक्के तुम बंबई में धारा करते हो उसको पूरे भारत में चलाने की छूट दे देते हैं। कौन? अंग्रेज दे देते हैं। किसको दे देते हैं? कौन दे देता है? मुगल बादशाह दे देते हैं। किसको दे देते हैं? अंग्रेजों को दे देते हैं। इन तीनों एकाधिकार को, जो तीन अधिकार मिले ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ब्रिटिशर्स का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो फरुख शेर ने दिया था। क्वेश्चन इस तरह बनेगा, फरुख शेर द्वारा मैग्ना कार्टा किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा, सर जॉन शर्मन को दिया गया था। वो मैग्ना कार्टा में क्या क्या चीजें शामिल थी? ऑब्जेक्टिव बनाएगा यूपीएससी, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाएगा। पहला दे देगा 3,000 वार्षिक कर में बंगाल मुक्त व्यापार करने की छूट दी थी। दूसरा दे देगा कि 10,000 वार्षिक कर में सूरत देने की छूट दी थी। फिर तीसरा दे देगा जो सिक्के बंबई में चलाया करते थे उन्हें पूरे भारत में चलाने की छूट दे दी थी। और चौथा दे देगा क्या नाम है, उपयुक्त सभी, और भी ऑप्शन ऐसे देगा, 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, या उपयुक्त सभी सही है। तो आप क्या बोलेंगे? उपयुक्त सभी सही है। अगर आपको ये एकदम अच्छे से पता होगा तभी आप कर पाएंगे। इसलिए आपको बेसिक से नॉलेज देते हुए मैं आगे तक नहीं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप अगर कुछ छूटे तो आप हमसे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर ऊपर लिखा हुआ है, आप चाहे जब चाहे तब मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 24/7 मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर हूँ, ठीक। मैं आपको जवाब जरूर दूंगा अगर मुझे समय मिला। तो ब्रिटिशर्स का मैग्ना कार्टा किसे मिला था? सर जॉन शर्मन को। किसके दरबार में आया था? फरुख शेर के दरबार में आया था। क्या क्या चीजें थी शामिल मैंने आपको बताई है। अब होता है हद तो तब हो जाती है 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हो जाता है? पुर्तगाल की जो रानी रहती है राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है। तो पुर्तगाल चार्ल्स सेकंड जो रहते हैं ये कौन रहते हैं? अंग्रेज रहते हैं। इनसे विवाह हो जाता है कैथरीन का, पुर्तगाल की जो राजकुमारी रहती है उनको बंबई दहेज में मिल जाता है। और बंबई दहेज में किसको दे देते हैं? किसको दे देते हैं? ब्रिटिश कंपनी को दे देते हैं, ब्रिटिश सरकार को दे देते हैं, ब्रिटिश सरकार को दे देते हैं। और फिर ब्रिटिश सरकार क्या करती है? कंपनी को ये 1668 में एक जगह दे देती है। कौन सी जगह दे देती है? ये जो इनको क्या नाम है, बंबई दहेज में मिला रहता है, बंबई जो दहेज में मिला रहता है वो 1668 में 7 साल बाद किसको दे देती है? 10,000 पाउंड के वार्षिक किराए पर, 10,000 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई इनको दे दिया गया कंपनी को। अब कंपनी वहां से भी व्यापार करने लगी, कंपनी वहां से भी छूट मिल गई, अब तो इनकी बल्ले बल्ले होगी। अब चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, सर कुछ नहीं समझ में आया, फिर आइए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला राजदूत विलियम हॉकिंस, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा राजदूत कौन आया? ये आया सर थॉमस रोड, 1615 में आया। किसके दरबार में आया? कौन था इसी दरबार में? आपको पता ही होना चाहिए, जहांगीर था। जहांगीर के दरबार में आया। कंपनी को विशेष रियायत कब मिली थी? 1615 में सर थॉमस रोड के टाइम में मिली थी। 1632 में उन्हें गुलगुटना में सुनहरा फरमान मिल गया, कुछ करों में छूट मिल गई। फरुख शेर के दरबार में सर जॉन शर्मन आए, उनको तो भयानक छूट मिल जाती है। क्या क्या मिल जाती है? बंबई, सूरत और क्या नाम है ये कलकत्ता, बंगाल वाला जो इलाका है ये इनको किराए पे से मिल जाता है, बहुत ही कम नाम मात्र किराए पर, पूरा टैक्स वसूलने लगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1661 में जो पुर्तगाली को राजकुमारी रहती है उनका नाम कैथरीन रहता है, उनका विवाह हो जाता है जो अंग्रेजों को जो राजकुमार रहते हैं चार्ल्स सेकंड। तो इनको जहाँ हो जाता है बंबई दहेज में मिल जाता है। अब बंबई दहेज में मिल जाता है तो ये दहेज में जो मिली हुई चीज रहती है, तो ये हमारा मुंबई हम भी लोग को क्या उसको दहेज में खेला खेला बोल किए हुए कितनी हंसी आ रही है कभी कभी। तो 1668 में कंपनी को क्या करती है सरकार, ब्रिटिश इंग्लैंड क्या करता है कि कंपनी को 10 पाउंड वासी किराए पर मुंबई दे देता है किराए पे। अब जाओ उसका इस्तेमाल करो, उस वहां से टैक्स वसूलो, व्यापार करो, सब कुछ करो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, पूरी कहानी आपके दिमाग पर धीरे धीरे बन रही होगी। तो चलिए इसको रख करता हूँ, फिर मैं आगे लेक्चर चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कम लेक्चर ज्यादा बढ़ाना हो और आपको पूरी नॉलेज मिले, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते हुए आगे चल रहा हूँ। चलिए इसको रिजर्व करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका।
चलिए लास्ट स्लाइड है, इसको कंप्लीट करते हैं और फिर आज की कहानी को हम यही खत्म करते हैं। मैं चाहता नहीं हूँ कि ज्यादा लंबा वीडियो हो, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं है और हमारी मेहनत को सराहा करिए, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है कि क्या नाम है, उस समय मुगल बादशाह थे हम लोगों के औरंगजेब, 1600 से 1707 तक तो मुगल बादशाह थे। लेकिन होता क्या है कि 1688 में औरंगजेब बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज क्या करते हैं हुगली क्षेत्र में अपना कब्जा बनाने लगते हैं, हुगली वाला जो क्षेत्र रहता है उस पर अपना कब्जा बनाने लगते हैं अंग्रेज। तो उससे औरंगजेब काफी खफा हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की ठान लेते हैं। तो 1688 में सर जॉन साइल का मुकाबला किसके हुआ, औरंगजेब के साथ हुआ और ये हार गए। लेकिन कुछ संधियों के तहत इनको भारत में रुकने का फरमान मिल गया, भारत में रहने का उनको फरमान मिल गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है औरंगजेब के साथ किस क्या नाम है ब्रिटिशर्स की या किस अंग्रेज की लड़ाई हुई थी, तो सर जॉन साइल की लड़ाई हुई थी और सर जॉन साइल हार गए थे। क्यों हार क्यों लड़ाई हुई थी, क्योंकि औरंगजेब के क्षेत्र हुगली वाले क्षेत्र में ये लोग कब्जा करने जा रहे थे, धीरे धीरे हुगली को कब्जा करने के लिए बढ़ रहे थे। इससे औरंगजेब काफी दुखी हुए और उन्होंने युद्ध करने की ठानी, युद्ध लड़ा और जीत गए और संधि हुई और इनको यहाँ पर करने का छूट मिल गया। अब होता क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कुछ किलों की स्थापना करवाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो याद रखिएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में करवाई गई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में करवाई गई थी और फोर्ट लुई कॉलेज जो एक किला था वो कहाँ करवाई गई थी, पांडुचेरी में करवाई गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपको इसी तरह आधुनिक भारत के इतिहास के डे बाय डे लेक्चर मिलते जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा एक महीने के अंदर मैं आपको पूरा आधुनिक भारत कंप्लीट करा दूं, कुछ भी ना छूटे, प्री मेंस इंटरव्यू जो भी हो। ठीक, तो अब अगला लेक्चर जो हमारा आएगा वो कल आएगा। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं।